शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अभी मेरी शादी में 1 महीना रह गया है, तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ जो जो मुझे सैंडल मिले हैं मेरी बरी में, मेरे दहेज में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स को वो भी दिखा दूं। तो चलिए देखते हैं। आज मेरा कैमरामैन भी मिसिंग है, तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है मुझे वीडियो शूट करने में, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं वीडियो शूट करती हूँ आपके लिए। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सैंडल्स दिखाना। ये है नंबर 1 मेरा सैंडल, जो है सिल्वर कलर में, क्योंकि मेरे सारे ड्रेसेस थे जिनमें कुछ कुछ सिल्वर भी आ रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया। और दूसरा सैंडल है ये मेरा क्रीम कलर का, और तीसरा सैंडल ये है मेरा गोल्डन कलर का, चौथा सैंडल भी देखें ये है सिल्वर कलर का, और पांचवा सैंडल देखें पिंक कलर का, और ये देखें छठा सैंडल ब्लैक कलर का, सातवां सैंडल पिंक कलर का, आठवां सैंडल फिर से गोल्डन कलर का, और 9 नंबर वो भी गोल्डन कलर का। तो ये थे मेरे 9 सैंडल, और यहाँ पे 2 सैंडल अभी और हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। टोटल 11 सैंडल मुझे बरी में मिले हैं, और एक खुस्सा मिला है जो मैं ना अपने मायों पे पहनूंगी। तो चलें गाइस दिखा लेती हूँ मैं आपको। आई थिंक कि मैं ये शादी में पहनूंगी, लेकिन अभी सोच रही हूँ, कुछ फाइनल नहीं किया मैंने, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा लंबी हील है और आप जानते हैं मैं काफी ज्यादा नाचने कूदने वाली लड़की हूँ, ऐसे चुप करके मुझे बैठना नहीं आएगा चाहे मैं दुल्हन क्यों ना बनूं। तो ये देखें ये है मेरा वो सैंडल, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको शादी के दिन पहनूं। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा हसीन प्यारा खूबसूरत है, और इसका काम देखें, देख सकते हैं ना आप काम भी कितना ज्यादा है। तो मैंने सोचा है क्यों ना ये ले ये मैं पहन लूं शादी के दिन। और शादी के दूसरे दिन का भी सैंडल मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि कौन सा सैंडल पहनूं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको अच्छी तरह से मैं रख दूं, सारा मेस हो गया है क्योंकि काफी ज्यादा तैयारियां पेंडिंग में है वो करनी है। तो जाहिर बात है टोटल 11 सैंडल और 12 गुस्सा। तो चलें दिखा लेती हूँ मैं आपको अपना ये सैंडल, ये भी शादी के लिए लेके आई हूँ, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है क्या पहनूंगी। अब ये देखें, ओ माय गॉड, ये देखें मेहंदी में लेके आई थी और कलर में चेक करी थी कि कैसा आएगा। तो ये देखें ये भी सैंडल लेके आई हूँ, लेकिन वही बात कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि पहनूं क्या। ये देखें इस पे भी आप काम देख सकते हैं, दोनों ब्राइडल सैंडल हैं दोनों ही। ये देखें कौन सा नंबर पहन रही हूँ मैं, नंबर पता नहीं क्यों मेंशन नहीं है, 8वां नंबर, 8वां नंबर में पहनूंगी। ये देखें कितना प्यारा और खूबसूरत है, मुझे ये भी काफी ज्यादा कूल लग रहा है, प्यारा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं मेरे ड्रेस के साथ। लेकिन फिर वही बात कहूंगी कि उस वक्त जो मुझे समझ में आया, हो सकता है ये पहनूं ये पहनूं ये पहनूं, पता नहीं क्या पहनूंगी, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो टोटल माशाल्लाह से मेरे 12 सैंडल हो गए हैं, 11 सैंडल और एक खुसा, ये देख सकते हैं आप, सारी मेरी तैयारियां चल रही हैं अभी। देखिए मेरे सारे सैंडल ये मुझे दहेज में मिले हैं, मम्मी पापा ने जो मुझे दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से 12 सैंडल हो गए हैं। ये देखिए ये पिंक कलर वाला मेरा है, और ये वाला जो है ना सिल्वर कलर का, ये भाभी का है इसलिए मैंने ये अलग कर दिया, और ये पिंक वाला भी सिस्टर का है इसलिए मैंने साइड कर दिए हैं, ये दोनों मेरे नहीं हैं, बस ये हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे मेरा सैंडल, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरा अच्छा अच्छा नसीब रखे, और सारी चीज़ें बारी बारी मैं आपको दिखाऊंगी जो भी मुझे दहेज में मिला है। दहेज तो नहीं कहा जाए, माँ बाप का प्यार जो है जो उन्होंने मुझे दिया है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। और उसके अलावा मेरे 2 रूम मम्मी पापा ने बनाए हैं, दोनों रूम मम्मी ने डेकोरेट कर दी हैं अच्छी तरह से, वो वाली डेकोरेशन नहीं शादी वाला, आई जस्ट डोंट लाइक दिस, ओ माई गॉड, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है ना। तो दोनों रूम मेरे सेट हो चुके हैं, आपको बारी बारी दिखाऊंगी मैं, सारे व्लॉग्स देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको अपने सैंडल जो कि मुझे शादी में मिले हैं, अम्मी पापा ने जो दिए हैं, 1 महीना रह गया है शादी में, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बारी बारी दिखा दी जाऊंगी, अपना शादी का ड्रेस ये वो फलां फलां जो भी होगा, मेरा रूम मेरा दहेज जो भी होगा वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन वही बात, सबसे पहले यही करना है कि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी यहीं पे लाइक कर दें, ठीक है गाइस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो।